अर्चना छबड़िया। नहीं क्यों, तुम सोच रहे हो क्या मेरे पास टॉपिक नहीं इसलिए मैं नवर को पकड़ लूंगा फिर से? नहीं, सच्चाई वो नहीं है। तुम्हें वो एड याद है फॉग वाला कि और जनाब क्या चल रहा है? और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। भाई फॉग नहीं मुन्नावर चल रहा है भाई, गॉड मेरी क्रश भी नहीं है, बट गाना गाना पड़ रहा मेरे को। वाह खुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। अरे हर जगह, हर इंडस्ट्री में, यूट्यूबर्स मुन्नावर के सपोर्ट में, सिंगर्स मुन्नावर के सपोर्ट में, अभी बादशाह आ गया, किंग आ गया, एमसी स्टैन तो था ही, मेगा बंटा है मेरा भाई, व्हाई वेयर आर यू? अरे कर दे यार, एक स्टोरी डाल दे, क्या जाता है? अरे आस्था गिल डाल दी भाई, आस्था गिल, उस क्या साहिल सोहेल है, साहिल खान है, जो भी है साहिल खान एक्सक्यूज मी वाला, उसने वीडियो डाल दी। करण कुंद्रा तो ओपनली है, ओपनली सपोर्ट करता आ रहा है, प्रिंस भाई तो करते ही आ रहे हैं। अभी तक करण ने झाड़ दिया, करण कुंद्रा ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि धर्म अधर्म की बात करने वालों, करण कुंद्रा कुंद्रा अपना धर्म अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपनी बात पे खड़ा है, जो वादा किया निभाया। पता नहीं बहुत लंबा चौड़ा यार कि तुम धर्म की आड़ में प्रोपेगेंडा चलाने वालों, दूर रहो मुझसे। और ये फैक्ट है यार, धर्म सबका है, हैं? इकलौते का कॉपीराइट तो है नहीं उस पे। अब जिसकी जो बिलीव वो कर रहा है, बट अगर कोई किसी चीज को पसंद करता है या सपोर्ट कर रहा है तो करने दो ना, इसमें धर्म कहां से आ गया? लगे रहे मैं, एक ने तो मुझे बोल दिया था मुल्ला, अबे गंदा जोक है मेरे पास, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं हर चीज को मजे में लेता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ये बोल लोगे यार कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर उस बंदे ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर रहा है सपोर्ट, बंदा अच्छा है यार, बस बंदीबाजी में थोड़ा हिला हुआ है। अरे वो गाना उसको बहुत पसंद आया था, मैं भी इंस्पायर्ड उस गाने से, एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है। कुछ भी। और भाई सपोर्ट की बात कर रहे थे, जैकलिन फर्नांडिस आ गई सपोर्ट में, उसने स्टोरी डाली हुई है भाई, तो ये कैसे? पर ठीक है ले लेंगे हम, अपना क्या है, राउंड टू हेल आ गए थे तीनों के तीनों। अरे लोग थगेश के पीछे पड़े हुए, थगेश को बोलते मैं बोल देंगे भाई, अभी टाइम है खींच देंगे, 12 बजे तक है संडे को, 6 घंटे और बात करेंगे वो, छोड़ो बस बस रिलेटेड इतना ही, और कुछ भी बताना मुझे। एक तो यार मुन्नावर की जनता है हरामी, सही बता रहा हूँ मैं, अभी अंजलि अरोड़ा वो तो किल्स ही बड़ी है मुन्नावर से, तो वो आई सपोर्ट में अभिषेक और अंकिता लोखंडे के, लोगों ने क्लिप एडिट कर दी। मैं चाहती हूँ कि जब वहाँ पे वो टॉप टू दोनों खड़े हो ना, अंकिता जी एंड अभिषेक, और ट्रॉफी इन दोनों में से ही किसी के घर जानी चाहिए। मेरे अंदर से राहुल निकल गया भाई साहब, मजा आया भाई। ट्विटर में मेरा जो फीड है, जो नॉन फॉलोइंग होता है, मतलब पब्लिक वाला होता है, दो होते हैं ना, एक पर्सनल फॉलोइंग के होते हैं, एक पब्लिक का होता है जो रैंडम आते हैं, पूरा मुन्नावर से घिना पड़ा है पूरा, कोई पेड़ पियर नहीं लग रहा मुझे इसमें, ऑर्गेनिक चल रहा है। ले बाकी लोगों के पेड़ पियर, उन सबका रिएक्शन अमिताभ बच्चन वाला हो गया है। एल्विश यादव भाई कटारिया कल्ले भाई, थोड़ा सपोर्ट अभिषेक को उधर करना ही है। एल्विश आगे बोला, पहले राइडर को कर रहा था, राइडर गए बकरी खा गए, फिर अभिषेक को आया, उसमें एडिट मार दिया किसी ने, भाई बिग बॉस 17 कौन जीत रहा है भाई, भाई बिग बॉस 17 जीत रहा है अपना अभिषेक भाई। एक ने तो गेम्स ऑफ थ्रोन पे जॉन स्नो था ना, उसमें मुनव्वर वाला बना दिया एडिट। एक ने तो एआई जनरेटेड वॉइस करके करण जौहर का एडिट बना रखा है साला, मेरे को यकीन नहीं हो करण जौहर ऐसी बातें कर रहा है। मैंने 2-3 बार बिग बॉस होस्ट किया है और मैं डेली देखता भी हूँ एपिसोड्स, मुझे पर्सनली लगता है कि मुन्नावर को जीतना चाहिए। मैं गया, मैं ये पूरा इंटरव्यू भाई 1.5 घंटे का इंटरव्यू भगा भगा के देख रहा हूँ, कब बात करें कब, कहीं पे है ही नहीं, फिर मैंने वापस ये कट देखा, तब बताया अबे फद्दू कट गया, डीप फेक बनाने के चक्कर में साले, वीडियो तो डीप फेक करते, वॉइस करती बस, मैं साला ध्यान भी नहीं दिया। हाँ तो मुन्नावर से रिलेटेड इतना ही है, और क्या, इसके अलावा जिया शंकर फुकरा इंसान पे जा रहा है यार, फुकरा इंसान ने भी रिएक्ट कर दिया अभी बबीता डायन पे,
पूरा नाम मत लिया कर यार, तूने रखा है बबीता, तू बबीता पे रहे। ये बेबी का क्या होता है, कौन है बेबी का, मेरे को सुनाई भी नहीं देती। मैं जानता ही नहीं किसी बेबी को, मैं बबीता डायन को जानता हूँ। उसमें रिएक्ट कर दिया, रेंट कर दिया बेसिकली। अबे जो तुमने हमारे साथ बिग बॉस के घर में करा है उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, विलन थे भाई तो, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हारे को, तुम्हारी पूजा करेंगे नहीं करेंगे भाई, हद मचा रखी है यार। स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि भाई तुम सुधर जाओ भाई। कितना खींचोगे, क्यों दे रहे हो उसको फालतू में फुटेज, मत दो यार। मतलब बोल, कितना बोल दिया मैंने बट सुनता ही नहीं कोई, मेरी इग्नोर मारो, करने दो जो करना है। साला लास्ट टाइम मैंने बात करी कमेंट में आ गया कोई कि भाई वो बहुत रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल में काम करती है। मैं कहा जा ना तू फिर, मैं गली के डॉक्टर से खुश हूँ, साला वो नेगेटिव तो नहीं है कम से कम। तुम सोच रहे बीमारी लेके गए, साला टेंशन लेके वापस आओगे। सही बात है, बात तो सही है। बाकी जिया शंकर का कोई काम आ रहा है, कोलैब आ रहा है उसके साथ, हर्ष भाई के साथ, हर्ष बेनीवाल के साथ, फोटो डाली उसने, व्हाट कमिंग नेक्स्ट कैन यू गेस। मैं कहा मैं क्यों करूँ, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। चल जिया शंकर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद ठीक है, अपने को लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है बस, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे। अबे साले, इसके अलावा टाइलर स्विफ्ट 10 न्यूज़ में उसकी कोई सेक्सी फोटो बाहर आ गई है, अरे नकली वाली, उस पर उसके फैंस ऑफेंड हो गए। मैं कहा इतनी सारी वेबसाइट्स मैं बता दूंगा तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ फोटो नहीं है वहाँ पे। साला मैं ठर की दिखता हूँ इसमें, बट मेरे को मालूम है यार ऐसी, इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। सही बात है, दू क्या दू क्या, मांगो तो सही, मांगोगे तब बताऊंगा, मैं ठर की बहुत हूँ। चला आज मैं वीडियो जब एडिट कर रहा था अभिषेक आनंद की ना, तो उसमें एक क्लिप आई कि लॉन्डिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। मैं कहा साला कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं कहा उसको सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं को मेरा गाना याद आया ठरकी लौंडा, वो लाइन है मैंने सुनी फिर से बड़े दिनों बाद, मैंने ही लिखा है जबकि मैं सुना, मैं कहा ये तो विक्की जैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये तो चोमो चिंटू को डिस्क्राइब कर रहा है। अरे बहुत सही लिखा था यार मैंने, ठरकी है बट बढ़िया है, मजा आया। इसके अलावा आज रिपब्लिक डे है तो सारे लोग शुरू हो गए दूरदर्शन को लेके। मैं कहा तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या, रिपब्लिक डे आता है दूरदर्शन को जगा देते हो तुम, अबे अंडरटेकर थोड़ी है वो, बस और कोई और काम धंधा नहीं तुम्हारे पास। पता नहीं अमिताभ बच्चन को क्या हो गया, क्या था स्वामी बड़ा बलवान, अबे यार बहुत हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ज्ञान वापी में कुछ पता नहीं क्या मिल गया है, शिवलिंग विवलिंग उस पर बहस चल रही है, कहते दे दो जो माइंड। मैं कहा इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है छोड़ो मेरे को पढ़ रही नहीं, जिसका जो सोचना सोचे। हाँ बाकी क्या है, बाकी तो अपने नेवला जैन है उसके, अरे फिर आर्टिकल छपा हुआ है अंकिता लोखंडे से रिलेटेड, अरे बहुत तगड़ा पीआर लगा रखा है उसने अपने, अरे वो पार्टी वार्टी कर रहे हैं ना तो उस पर आर्टिकल छप गए कि फैंस अंकिता लोखंडे के फैंस शौक हैं। मैं कहा मेरे को कोई शौक नहीं है, मुझे मालूम है इसका, मैंने शो में देखा है इसको, कहाँ कहाँ टच होता है, कहाँ कहाँ पकड़ा जाता है। सही बात है, साला अपनी बीवी छोड़ के सबसे चिपकाई है, ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी 8 मिनट हो गए, मेरी किस्मत नहीं हुई तुम्हारी किस्मत, लाइक कर देना, पीस आउट।